दोस्तों L&T फाइनेंस की तरफ से मुझे मिला 42,000 रुपीज़ का लोन। आप लोग यहाँ से स्क्रीन में प्रूफ देख सकते हो, मोबाइल स्क्रीन में आप लोग का सामने मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया कैसे मैं इतना पैसा का लोन लिया हूँ। 42,500 रुपीज़ का मुझे लोन मिला है और उसे मैंने बैंक में अपना ट्रांसफर भी कर लिया। कैसे आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर आप लोग का लोन भी अप्रूव हो जाएगा और पैसा भी आप लोग का बैंक अकाउंट में चला आएगा, उसे आप लोग विड्रॉ करके जो काम करना आप लोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप को मिलेगा L&T फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन और आप लोग जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग को यहां से अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार कार्ड डालना है, उसके बाद आप लोग को यहां से लोन अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग L&T एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा। नीचे सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद कैसा इंटरफेस आएगा मैं यहां पे बता दूंगा आपको। यहां से लोन आप लोग को 2 लाख 3 लाख आप लोग को जितना पैसा चाहिए उतना लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले बता देता हूं, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं, आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं जा रहा फ्रेंड्स। आप लोग का लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसमें आप क्लिक करो, उसके बाद बेल आइकन को दबा के रख देना। तो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसे अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आते रहो। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, डाउनलोड करने के बाद यहां से कुछ परमिशंस मांगा जाएगा, आप लोग को प्रोसीड में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से लोकेशन, स्टोरेज, फोन कॉल्स, कैलेंडर ये सब मांगा जाता है परमिशंस, तो आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद यहां से यूजिंग द एप्लीकेशन, व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन उसमें क्लिक कर देना, फिर अलाउ में क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे में यहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा चूज योर लैंग्वेज, यहां से कौन सा लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें आपको चूज करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू में क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं उसके बाद यहां से वेलकम करके ऐसा कुछ इंटरफेस चलाएगा, यहां से आप लोग का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। सबसे पहले आप लोग को यहां से मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए मतलब रजिस्टर करने के लिए इस एप्लीकेशन में, तो यहां से चलो मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहां पे एक OTP मिलेगा आप लोग को, वही मोबाइल नंबर पे वही OTP को आप लोग को फिल कर देना है, फिर जाके आप लोग को यहां से नेक्स्ट ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, यहां से देख लो मुझे OTP आ चुका है, मोबाइल नंबर डालने के बाद मेरे पास OTP चला आया और वही OTP को आप लोग को सही से फिल कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, अभी जो मैं वीडियो का आगे में बताऊंगा एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यदि लोन लेना है, सच में आप लोग चाहते हो L&T एप्लीकेशन से आपको लोन मिले, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग मोबाइल नंबर डाल देते हो उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पे चूज पिन का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ से क्या होता है, कभी भी आप लोग जब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यही पिन नंबर मांगा जाएगा, तो यही पिन नंबर आपको डालना पड़ेगा। 4 डिजिट का पिन है, आप लोग कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जो भी नंबर्स डालोगे उसे याद करके रखना, या फिर कहीं पर आप लिख सकते हो, कॉपी कलम कहीं लेके कहीं पे भी जाके लिख लो, याद रहेगा। ठीक है, तो वैसे आप लोग को 4 डिजिट नंबर यहाँ पे डाल देना, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हो आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा, तो सबसे पहले आप लोग को अप्लाई नाउ में इसमें क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से देख लो इंस्टेंट पर्सनल लोन, 2 व्हीलर्स लोन, उसके बाद माइक्रो लोन, इतना लोन आपको मिल रहा है, हमें तो लेना है यहाँ से इंस्टेंट लोन, तो इसमें हमें क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि 2 व्हीलर का लोन लेना, तो 2 व्हीलर लोन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ से इंस्टेंट लोन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम लोग का सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो इंस्टेंट लोन में, यहाँ से हमें अपना नाम डालना है, मतलब पर्सनल डिटेल्स पूरा डालना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग चीज ध्यान से सुन लो, सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट में होगा नाम, वही नाम यहाँ पे डालना, कोई दूसरा नाम मत डाल देना। ठीक है, थोड़ा भी मिस्टेक मत करना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाम उम सही डालना, कोई भी एक स्पेलिंग भी गलत मत करना। ठीक है, चलो क्या क्या आपको डालना है मैं सही से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, आप लोग का पैन कार्ड और फिर आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही डालना है। उसके बाद यहाँ से नीचे में आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद गेट OTP में क्लिक करने के बाद आप लोग के पास एक OTP आएगा, उसे डाल के यहाँ वैलिडेट कर देना। उसके बाद नीचे आपको एक ईमेल ID डाल देना है, क्योंकि कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा वही ईमेल ID में मेल्स आएगा आपको। फिर उसके बाद नीचे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंटर कर करेंट एड्रेस पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद पैन कार्ड का जो भी नंबर है आप लोग यहाँ पे डाल दो, फिर यहाँ से वैलिडेट पैन कार्ड यहाँ पे ऑप्शन शो करना, येलो कलर का बटन है उसमें आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपका डिटेल्स वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देता हूँ, ये एक एप्लीकेशन है जो आप लोग को फ्री में 100 रुपया दे सकता है क्या है? मिलेगा आप लोग को। बस आप लोग को क्या करना है, नवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्या करना है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करना है, बस पैन कार्ड यूज़ करना, उसके बाद 1 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीद लेना है। ठीक है, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में 100 रुपया आपका बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहो तो यहाँ पे रेफर एंड अर्न करके भी पैसा कमा सकते हो, लोग कमा रहे हो तो आप लोग भी कमा सकते हो। ठीक है, डिजिटल गोल्ड आपको खरीदना पड़ेगा, तभी मिलेगा आपको यहाँ से 100 रुपया। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग जैसे वो सारा डिटेल्स फिल करने के बाद, पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ से देखो नेक्स्ट आ गया हमारा, कितना का आपको लोन मिल सकता है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे कितना
जितना चाहे आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा लोन अमाउंट। उसके बाद कितना महीना का लिए लेना है, 50,000 लेना है, 90,000 लेना है, 80,000 लेना है, तो वैसे हिसाब से आप लोग चूज़ कर लेना मंथ कितना महीना के लिए लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हो यहाँ से आप लोग से नॉमिनी डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है, किसी को भी आप लोग नॉमिनी बना सकते हो। तो यहाँ से इंश्योरेंस के लिए आप लोग का नॉमिनी मांगा जा रहा है, तो यहाँ से नाम डाल देना, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना नॉमिनी का, उसका नीचे में आप लोग को जेंडर डालना है, उसके बाद रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, क्या रिलेशन है आपके साथ नॉमिनी का, यहाँ से आपको फिल कर देना है। उसका नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर यहाँ से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है केवाईसी करने के लिए। तो हमें यहाँ से रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। यह क्या करेगा कि यहाँ से हमें डिजी लॉकर में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को यहाँ से जो भी परमिशंस मांगा जा रहा है उसे एनेबल कर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे उसमें, उसके बाद यहाँ से आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। फिर क्या होगा, आप लोग का आधार कार्ड नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ से आप लोग को टाइप कर देना या फिर फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सबमिट में क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। ये परमिशंस मांगा जा रहा है आप लोग से, तो अलाउ में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना है, अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ से एंटर में आपको क्लिक करना पड़ेगा या फिर फेच में क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से पैन कार्ड भी वेरीफाई होगा क्योंकि ये L&T फाइनेंस सर्विस है, तो यहाँ से आप लोग का पैन कार्ड भी मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अपलोडिंग कंप्लीट हो चुका हमारा। उसके बाद सिंपली हम लोग को नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से हमसे मांगा जा रहा है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूज़ करूँगा। आप लोगों के पास जो भी एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है, तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वोटर आई डी का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आप लोग को अपना एड्रेस प्रूफ का फोटो चाहिए, यहाँ से आप लोग फोटो डाल देना, ठीक है। यहाँ से देख लो आपका कितना कितना प्रूफ मांगा जा रहा है, इसमें से कोई भी एक आपके पास है डॉक्यूमेंट तो वो आप लोग डाल सकते हो। पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो भी आप लोग का पास है तो वो यहाँ से आप लोग डाल देना। उसके बाद नीचे में आप लोग को एड्रेस प्रूफ का फोटो देना पड़ेगा, नीचे फिर से फोटो देना पड़ेगा, फ्रंट और बैक दोनों फोटो आप लोग यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद नीचे में आप लोग को करेंट एड्रेस आ जाएगा, तो यहाँ से आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। जो भी आप लोग का इसमें अपना मतलब एड्रेस प्रूफ में जो भी आपके पास एड्रेस है वही सही से आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कोई दूसरा एड्रेस मत डाल देना, ठीक है। आप लोग जैसे कि कहीं और रहते हैं और कहीं और का वो मतलब डॉक्यूमेंट है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो भी एड्रेस है वही आप लोग को यहाँ से फिल करना पड़ेगा, अपना स्टेट नेम, सिटी नेम, उसके बाद पिन कोड डालना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका लास्ट स्टेप है बैंक डिटेल्स, किस बैंक में आपको पैसा चाहिए, तो वही बैंक आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट वही बैंक में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग को IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर दो बार फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, एक बार कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा और लास्ट स्टेप है हमारा, यहाँ से कोई भी परमिशंस मांगा जा रहा है, तो यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग को टिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग देख लो ऑफर अमाउंट कितना है, मुझे 1,55,000 मिल रहा है, तो मुझे जितना चाहिए मैं उतना ले सकता हूँ। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो यहाँ से मैं पहले टिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो 10 रुपये का दलील आ चुका है, इसमें मुझे डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ना वहाँ पे आप लोग को डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा, अपना हाथ से उंगली से आप लोग सिग्नेचर कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर प्रोसीड में क्लिक कर देना। यहाँ से आप लोग देख सकते हो लोन अमाउंट मुझे सक्सेसफुल हो चुका है और कुछ ही मिनट्स के अंदर मुझे पैसा मिल जाएगा, फिर 24 घंटे आपको लग सकता है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, डाउट आ रहा है, नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोग के हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।